मध्य प्रदेश के कुंडम विकास खंड के सखरी गांव में टीकाकरण न होने से गर्भवती माताएं एवं बच्चों की स्थिति हम समझते हैं। मध्य प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा हर गांव में स्वास्थ्य कर्मी NM MPW तैनात किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा गांव के भोले भाले लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं और विभाग के आंखों में धूल झोंक रहे हैं, सरकार से फ्री का पेमेंट उठा रहे हैं। आइए ऐसे गांव आप सबको ले चलती हूं। यहां महिलाओं और छोटे बच्चों को, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं, हाँ। और 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको, हाँ। उनका टीकाकरण होता है? नहीं होता है दीदी टीकाकरण। कब से नहीं हो रहा है, मालूम है आपको तारीख वगैरह? हाँ, 24 सितंबर 2010 से नहीं हो रहा है यहाँ टीकाकरण। आपको टीका लगा है? नहीं लगा है। कितने महीने से नहीं लगा? मैं तो 8 महीने हो गया लेकिन टीका नहीं लगी। यहाँ नर्स आती हैं कि नहीं आती? नहीं आती। कितने दिन से नहीं आ रहा है? साल एक हुई है। इस गांव में विगत 24/9/2010 के बाद आज तक टीकाकरण नहीं हुआ है, जबकि इस गांव के लिए NM कल्पना पटेल, MPW बलदेव भवेदी हैं। यहां वंचित रहते हैं और यहां कोई देखने सुनने वाला नहीं आता है, तो यहां कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, इसलिए यहां स्वास्थ्य से संबंधित टीकाकरण होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कुंडम विकास खंड में गर्भवती माताएं एवं 0 से 5 वर्ष के बच्चों की स्थिति टीकाकरण न होने के कारण आए दिन गर्भवती माताओं का अचानक गर्भपात होना, मृत बच्चे को जन्म देना, खून की कमी होना, कुपोषित बच्चे को जन्म देना, डिलीवरी के समय कठिनाइयों का सामना करना आदि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहती हूं कि जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मी इस गांव में सही सेवाएं प्रदान करें, समय पर बच्चों को टीकाकरण, गर्भवती माताओं की समय समय पर जांच और टीकाकरण होनी चाहिए ताकि कई घातक बीमारियों से बचाया जा सके। मैं सरोज परस्ते, ग्राम दरगढ़, विकास खंड कुंडम, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।